वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बोतल से सैंटा क्लॉस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्प्राइट की बोतल ली है और उसे ऊपर से थोड़ा सा और नीचे से ज़्यादा कट करके उसे रेड क्लॉथ से कवर कर देंगे और बेस में हम कार्डबोर्ड को सकल कट करके लगा देंगे। तो ये हमारा तैयार है और अब हम इसके पैर और जूते बनाएंगे। तो ये रहा जूता बनाने का। तो इसे हमें 4 चाहिए ऐसे ही। और अब हम पैर बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ करके कुछ कट कर लिया है। इसी तरह हमें 4 चाहिए। तो ये हमारे बन गया। सो इसे हम दोनों को चार चार करके पेस्ट कर लेंगे एंड एक दूसरे में चिपका देंगे। और पैर को हम रेड क्लॉथ से और बूट को ब्लैक से कवर कर लेंगे इस तरह से। सो इसी तरह हमें और एक चाहिए। तो ये रहा। तो अब हम इस सैंटा क्लॉस की हाथ बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड को कट करके उसे हाथ में चिपका दिया एक दूसरे से। और इसे भी हम कवर कर लेंगे रेड क्लॉथ से इस तरह से। और इसे भी चिपका देंगे और हैंड को थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे। एंड ये मैंने हैंड लिया है फिंगर्स वाले। और इसे हम ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर लेंगे लाइक दिस एंड ऊपर एंड नीचे साइड भी। सो और इसे हम इसमें चिपका देंगे अपने हैंड्स में। और ये हमारा हैंड्स दोनों तैयार है। अब मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है और इसे अंदर की तरफ टक करते जाएंगे नीचे से। तो मैंने यहाँ पे 4 पेपर लिए हैं पीस की, 1 पेपर की 4 पीसेस। और इसे हम इस तरह से सेलो टेप से पूरे पे कवर कर लेंगे और एक्स्ट्रा पीस को कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ मैंने फेविकॉल और वाटर को एक दूसरे में मिक्स करके इसमें अच्छे से थिन पेपर को लगा दिया है। और ड्राई होने के बाद हम इसमें पेंट कलर से पेंट करेंगे फेस कलर से कुछ इस तरह से। सो ये हमारा फेस तैयार है ड्राई होके। तो अब हम इसमें अपने बॉडी में लगा देंगे सैंटा क्लॉस की हेड को इस तरह से। और ये तैयार। सो अब हम इसमें इनकी कैप बनाएंगे। सो इस तरह से मैंने पेपर लगा दिया। और अब फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसमें टोपी के लिए क्लॉथ को लगाएंगे। सो मैंने कॉटन का क्लॉथ ही इस्तेमाल किया है। सो इस तरह से मैंने यहाँ कैप लगा दिया। अब उसके ऊपर वाले कॉर्नर को एकदम सब में से चिपका के रोल कर देंगे। और उसमें इस तरह से मैंने किया। और अब मैं सैंटा क्लॉस की दाढ़ी बना रही हूँ इस तरह से। और दाढ़ी के बाद मूछें लगा देंगे। सो इस तरह से करके पीसे मोड़ के एंड साइड साइड से टैप करके ये मूछ बन जाएंगी हमारी लाइक दिस। और इस तरह से हम लगा देंगे। सो मैंने यहाँ पे सैंटा क्लॉस की आँखें और मुंह बनाई है। इसे ऐसे करके हम लगा देंगे। और ये थर्माकोल बॉल को मैं सैंटा क्लॉस की नाक बना के लगा रही हूँ। और ये मैंने आईब्रोज लगाए हैं। और अब मैंने पहले ही मैंने सैंटा क्लॉस के 1 हैंड्स लगाए क्योंकि इनके बेल्ट्स में दूसरे में प्रॉब्लम होती।
सो अब मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, वो भी पतला सा, और उसे ऐसे करके लगा देंगे। एंड मैंने ग्लिटर शीट ली है और इसे ऐसे कट करके स्क्वायर शेप में बना लेंगे इस तरह से, और छोटी सी ग्लिटर कट करके ऐसे बना लिया मैंने। अब मैं हैंड दूसरी वाली हैंड्स लगा लूँगी। सो ये मैंने दूसरी हैंड्स को लगा लिया है। एंड नाउ अब हम सेंटा क्लॉज की जैकेट के नीचे में कॉटन लगाएंगे। एंड मैंने सब जगह कॉटन लगा लिया। अब सेंटा क्लॉज के पीछे वाले कोट के नीचे में लगाएंगे। एंड मैंने कैप के कॉर्नर्स, नीचे वाले कॉर्नर्स में भी कॉटन लगा दिया है रोल करके इस तरह से। कॉटन लगाया मैंने। सो हमारे सेंटा क्लॉज तैयार हैं बनके। सो अब हम इनकी पोटली बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे 4 1 पेपर के 2 पीसेस लिए हैं एंड इसे राउंड राउंड करके रेड क्लॉथ से कवर कर लिया है। एंड वन नॉट बांध देंगे पतले वाले कपड़े से, एंड एक्स्ट्रा पेपर के पीसेस को कट कर देंगे। सो इस तरह से पोटली बनाया मैंने एंड एक्स्ट्रा पीस को कट कर दे रही हूँ। सो हमारे सेंटा क्लॉज बन के तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय।